ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति है सौंदर्य, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? सबसे पहले इसी को समझिए कि वनस्पति क्या है। वनस्पति क्या है? कहते हैं कि पौधे की विभिन्न प्रजाति, पौधे की विभिन्न प्रजाति अगर एक पर्यावरण स्थिति में विकास करें, पौधे की विभिन्न प्रजाति अगर एक पर्यावरण स्थिति में विकास करें, यानी एक पर्यावरण दशा में विकास करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। अभी प्राकृतिक वनस्पति नहीं बोलते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ बात करें किसका? वनस्पति का। कहता है कि जब पौधे की विभिन्न प्रजातियां, मतलब जैसे घास, लता, झाड़ी, पेड़ पौधा, सारा पौधे की विभिन्न प्रजातियां जब एक भौगोलिक दशा या एक पर्यावरण में विकास करे, जैसे मान लीजिए आपका एक भागलपुर का क्षेत्र है, कोई आप जब घर बनाए या घर के पीछे आप फुलवारी लगाए, और फुलवारी में आप क्या किए, एक गुलाब का पौधा लगाए, एक कमल का पौधा लगाए, तरह तरह का, समझ गए, सूर्यमुखी का फूल लगाए, आप गेंदा का फूल लगाए, फिर सब्जी भी लगा दिए, फिर भिंडी भी लगा दिए, फिर वो लगे हाँ तब लीची का पौधा, एक अमरूद का पौधा, ऐसा लगा दिया आप अपने। हम वही तो बोले, हम क्या बोले, उसी वही बोले कि पौधे की विभिन्न प्रजातियां अगर एक पर्यावरण दशा में विकास करती है, या एक पर्यावरण स्थिति में या दशा में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। तो एक पौधा, जैसे एक व्यक्ति क्या किया, खेत बोया और खेत में मक्का पूरा का पूरा यहां से वहां तक बोल दिया, और मक्का के सिवा कोई दूसरा फसल इसमें नहीं है, हम उसको वनस्पति बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको वनस्पति बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम क्या बोले? एक किसान, सुनिएगा चीजों को, एक किसान अपने खेत बोया और खेत में मक्का लगाया, यहां से वहां तक 4 बीघा तक मक्का लगाया, और कोई दूसरा का पौधा उसमें उगने नहीं दिया, खर पतवार भी उगा उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पौधा है किसका? मक्का का। तो क्या उसको हम वनस्पति बोल सकते हैं? वनस्पति उसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वनस्पति बोलेंगे, देखिए वो वनस्पति है, आप देखते होंगे अगर मक्का लगाया तो बहुत प्रकार के खर पतवार उग जाते हैं ऑटोमेटिक, समझ गए, तरह तरह का पौधा उग जाता है, तो वो एक प्रकार की क्या है? वनस्पति है। पौधे की विभिन्न प्रजाति अगर एक पर्यावरण में विकास कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं? वनस्पति। अगला है प्राकृतिक वनस्पति, और आप जो कहते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, उसमें यही लगता है वनस्पति क्या है बताइए, पचमा तक में आपको क्या देगा वही ना, पचमा तक में यही बताता है बच्चे को लोकतंत्र क्या है, राजव्यवस्था क्या है, समझ गए, आप यही से बताइए पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, प्रदूषण क्या है, पचमा तक बच्चे को आप एनसीईआरटी में क्या समझा सकते हैं अभी बताइए, यही ना समझा सकते हैं, बेसिक चीजें आप बता सकते हैं, और एनसीईआरटी में वही आप उल्टा के देखिए पढ़िए, तो आपको नहीं समझ में आए तब ना बोलिएगा हाँ सर जी नहीं आया, तब वही करेंगे, तब लेंगे बोलेंगे आइए जी खड़ा ये पढ़िए एक बार इधर से, होता था ना सरकारी स्कूल में, समझ गए, और आइए पढ़िए जी हाँ बैठे रहेंगे इसे, समझ गए, एनसीईआरटी पूरा का पूरा कंप्लीट, समझ गए, मतलब मेन सार जो आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़ वही है यहाँ, नहीं तो वही तब पढ़ेंगे, चलिए लोकतंत्र आइए आप जानते हैं कि, समझ गए, ऐसे लिखा रहता है एनसीईआरटी में वही है, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक अगर पढ़ के पढ़ाए ना ढेरी हो जाएगा, हम बढ़ा नहीं पाएंगे, वैसे आपको मेन मेन चीज है वो आपका निचोड़ हम बता दे रहे हैं, अब आप समझिएगा, प्राकृतिक वनस्पति उसको बोलते हैं। कहता है जब किसी पर्यावरण स्थिति में बहुत सारे पौधे किसी लंबे समय से, कि लंबे समय से बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के, यानी मानव का कोई हस्तक्षेप उसमें होना नहीं चाहिए, अगर पर्यावरण में यानी वनस्पति विकास करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। साफ साफ शब्दों में सीधा समझिएगा, जैसे आप गए घर और घर में गए और फुलवारी हम बोले आप लगा दिए, पौधा लगाए, तरह तरह का पौधा लगा दिए, वो तो आप ना लगाए तो प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे नहीं, हम क्या बोले? मानव का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। वैसी वनस्पति जो लंबे समय से पर्यावरण, वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुसार ढल के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, यानी बाह्य मानवीय मानवों का कोई हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए, वहां विकास करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। सीधा का सीधा समझिए, जंगल, जंगल खरपतवार, पहाड़ों पे जो जंगल है, कोई आदमी जाके वहां पौधा लगाया है? नहीं लगाया, ऑटोमेटिक जगह है, ऑटोमेटिक उगा है,
और ऑटोमेटिक अगर उगा है तो मतलब साफ साफ है उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और वहां पौधा वही हो सकता है जो वहां की भूमि के अनुसार ढल सकता है। वहां एक तो उस भूमि में विकास कर सकता है, दूसरा वहां की पर्यावरण के अनुसार ढल सकता है, वही पौधा वहां क्या किया है, विकास किया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, मतलब वैसा वनस्पति जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो और वनस्पति स्वतः उग गया हो। कैसे उग गया हो, स्वतः उगा हो और अपना वहां की मिट्टी और वहां के पर्यावरण दशा के अनुसार अपना विकास कर रही हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। वनस्पति को हम मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित करते हैं, पर्यावरण यानी वनस्पति को, भारत की वनस्पति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले इसका जो विभाजन करते हैं क्षेत्रीय आधार पे करते हैं, भारत की वनस्पति पढ़ना है हमको, तो भारत की वनस्पति का विभाजन जो हम करते हैं सबसे पहले किस आधार पे करते हैं, क्षेत्रीय आधार पे करते हैं, और दूसरा हम करते हैं ऊर्ध्वाधर आधार पे। यानी वनस्पति पे दो चीज बहुत ज्यादा प्रभाव डालता, एक तापमान दूसरा वर्षा, एक तापमान और दूसरा वर्षा। सिनकोना का पौधा देखें आप इस वाले क्षेत्र में, आप अपने एरिया में सिनकोना का पौधा देखें क्या, कोई नहीं देखे होंगे। रोजवुड का पौधा देखे हैं, नहीं देखे हैं। इसका मतलब आपके इधर का पर्यावरण का दशा, आपके इधर की जलवायु, आपके इधर का तापमान, आपके इधर का वर्षा उस पौधे के लिए सुटेबल नहीं है। आपके इधर जो है यहां कपास उगा लीजिएगा, नहीं, आपका एक तो जलवायु वहां की पर्यावरण भी उसके अनुसार नहीं है, और दूसरा कंडीशन है कि आपका मिट्टी उस प्रकार का नहीं है जो आप कपास उपजा सकते हैं। मतलब उसी आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे सबसे पहले भारत की वनस्पति को कितने आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे। सबसे पहले क्या किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। किसका विभाजन किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन बोलते हैं इस प्रकार से, जमीन के इस स्तर पे सीधा का सीधा आप चलिए इसे, जैसे आप चले जाइए केरल, केरल में आपको मिलेगा अलग वनस्पति। जैसे आप केरल से आइएगा बीच में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको अलग वनस्पति। तो हम ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं, हम क्षेत्रीय जा रहे हैं ना। वनस्पति का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन। केरल में अलग प्रकार की वनस्पति, बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में अलग प्रकार की वनस्पति। आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वहां आपको एक विशेष प्रकार की अलग वनस्पति मिलेगी। जो पौधा आपके यहाँ है वो पौधा उसके यहाँ नहीं है, जो पौधा आपके यहाँ है वो पौधा उसके यहाँ नहीं है। मतलब इस आधार पे, जो क्षेत्रीय आधार पे यानी वर्षा के आधार पे अगर वनस्पति का विभाजन हो तो किसके आधार पे किया जाता है, क्षेत्रीय आधार पे किया जाता है। मतलब क्षेत्रीय विभाजन किसके आधार पे किया गया है, वर्षा के आधार पे। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पे। जैसे केरल में वर्षा ज्यादा, बिहार में वर्षा कम, हमसे भी वर्षा ज्यादा कम कहां में, राजस्थान में। जैसे जैसे आप भारत में दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आते जाइएगा, मध्य भारत से उत्तर भारत की ओर जाते जाइएगा, वर्षा क्या होते जाता है, कमते जाता है। इसीलिए हम जलवायु चैप्टर पहले बताए थे और वनस्पति में बहुत ज्यादा योगदान है उसका। तो वर्षा सबसे ज्यादा कहां में, सदाबहार वन, वहां उपजेंगे सदाबहार वन। वर्षा सबसे ज्यादा कहां में, पश्चिमी घाट में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां में, पश्चिमी घाट में पढ़ाए, सबसे ज्यादा वर्षा। जब जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा वन, हरा भरा वन। जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे सदाबहार वन, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे सदाबहार वन, जहां उससे कम वर्षा वहां पे पर्णपाती वन। जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे कौन सा वन, सदाबहार वन। जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे वैसा वन जो सब दिन हरा भरा रहे। और हरा भरा वन कहां रहता है, जहां सब दिन वर्षा पड़ते रहेगा वहां का वन क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो सदाबहार वन दूसरा होता है पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा वन, पर्णपाती वन, वैसा वन जो अपनी पत्तियां एक मौसम में क्या करती है, गिरा देती है। और तीसरा होता है शुष्क वन या मरुस्थलीय वन। के दूसरा क्या होता है, शुष्क वन या मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। तो मोटे तौर पे कहिएगा तो वनस्पति तीन प्रकार की होती है, सबसे पहला सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन और तीसरा शुष्क या मरुस्थलीय वन। भारत किस गोल, किस, सुनिएगा, भारत किस कटिबंध में है, भारत किस कटिबंध में, बस उष्ण कटिबंध। टेंशन ही नहीं लेना एक जरा भी नहीं, बस आगे उष्ण कटिबंध लगा दीजिए, उष्ण कटिबंधीय।
उष्णकटिबंधीय, और इसमें भी लगा दीजिए उष्णकटिबंधीय, बस हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या मरुस्थली वन। कुछ नहीं, यही शब्द आपको जब पहली बार पढ़िएगा ना, इतनी बड़ता है, समझ गए, जब पहली बार पढ़िएगा आपको लगेगा इतना बड़ा क्या है उष्णकटिबंध। आपको उष्णकटिबंध भी समझाए, सदाबहार भी समझाए, वन भी, और सबसे इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां उससे कम वर्षा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां सबसे कम वर्षा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या मरुस्थलीय वन, जहां वर्षा ही नहीं वहां वन भी नहीं, जहां वर्षा भी नहीं वहां क्या होगा, वन होगा क्या, नहीं होगा। जहां वर्षा ही नहीं, साफ वर्षा नहीं, तो सीधा का सीधा वन भी नहीं। ये तो हुआ क्षेत्रीय विभाजन, किसके आधार पे, वर्षा के आधार पे। शिव करते हैं इसका ऊर्ध्वाधर विभाजन, किसके आधार पे करते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई के आधार पे, जैसे जैसे आप ऊंचा जाते जाइएगा तापमान क्या होते जाता है, घटते जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाइएगा तापमान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और तापमान भी वनस्पति पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसे आप पहाड़ों की चोटी पे चले जाइए, पहाड़ों की चोटी पे आप देखिएगा पौधा पाया जाता है एकदम इस प्रकार से, जहां बर्फ गिरता है, और आप और ऊपर चले जाइए बड़ा बड़ा पौधा ही मिलना बंद हो जाएगा। आप हिमालय की चोटी पे चले जाइए पौधा मिलेगा ही नहीं, आप उच्च हिमालय की चोटी पे जाइए वहां पूरा का क्या गिरता है, बर्फ गिरता है। इसका मतलब वनस्पति को कौन प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, और वनस्पति को कौन प्रभावित करता है, वर्षा प्रभावित करता है। तो वर्षा के आधार पर वनस्पति का क्षेत्रीय विभाजन, और तापमान के आधार पर वनस्पति का किसका विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन। कौन विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो अगर आपसे पूछेगा वनस्पति का ऊर्ध्वाधर विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तापमान के आधार पे, किसके आधार पे, तापमान के आधार पे, और वनस्पति का क्षेत्रीय विभाजन किसके आधार पे, वर्षा के आधार पे किया जाता है। तो आप देखिएगा सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, वनस्पति पौधे से क्या क्या फायदा होता है आप तो बता ही सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा बताइए वनस्पति से क्या होता है, सबसे पहले मृदा का अपरदन होता नहीं है, दूसरा कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है, जितना ज्यादा पौधा उतना कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है, सब जानते होंगे ये चीज। दूसरा ऑक्सीजन आप लेते हैं, तीसरा वर्षा करने में क्या होती है, सहायता करती है, तीसरा साउंड पोल्यूशन को कम करती है, जिसको कहते हैं ग्रीन मफलर। अब ये याद रखिएगा एक चीज, ग्रीन मफलर, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। हलगम आप ऐसा मत समझेगा हरा दुपट्टा, ऐसा भी सोच रहे हैं, ग्रीन मफलर क्या है, समझ रहे थोड़ा सा, ग्रीन मफलर क्या है, भारत सरकार योजना लाया कि अगर हाईवे के चारों तरफ क्या कीजिए आप, पेड़ पौधा लगाइए। अगर हाईवे के चारों तरफ पेड़ पौधा लगाइएगा तो जो साउंड पोल्यूशन गाड़ी से होता है वो पौधा क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो साउंड पोल्यूशन से देश के बचाने के लिए क्या एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसको क्या आप कहते हैं ग्रीन मफलर, यानी सड़क के कार एकदम चारों तरफ नहीं, दो तरफ सड़क के, दो तरफ इस साइड भी बाएं और दाएं दोनों साइड पेड़ पौधा लगाएंगे, एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा साउंड पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। इसको लेके सरकार ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, कौन सा प्रोजेक्ट है, ग्रीन मफलर। तो साउंड पोल्यूशन के साथ साथ वायु प्रदूषण भी क्या करता है, पौधा कम करता है, और वर्षा भी कराने में सहायता करती है। तो पौधे का यानी वनस्पति का हजार फायदा है, जिसका आप व्याख्या कर सकते नहीं है, जिसका आप व्याख्या कर सकते नहीं। कुछ चीजें अतुलनीय होती है, जिसका आप तुलना नहीं कर सकते, कुछ चीजें बहुमूल्य होती है, अमूल्य होती है, समझ गए, जिसका कोई मूल्य आप लगा सकते नहीं है। बहुमूल्य धातु जिसका बहुत मूल्य लगाइए उसका कोई अंत होता ही नहीं है, वैसे ही पौध पौधा है उसका कोई मूल्य लगा सकते आप नहीं है। जैसे दुनिया में समझिए एक के वो डिजिटल बोर्ड बचे, सारे वाला दुनिया का डिजिटल बोर्ड खत्म, सब खत्म, और आगे से कभी होगा भी नहीं। तो आप बताइए इस बोर्ड का कत्ते दाम होगा, जानते इस धरती पे दाम किसका होता है, दुनिया में यूनिक चीजों का दाम होता है, बस सीधा समझिए, भीड़ से हटिए आपका दाम वैल्यू बढ़ जाएगा, भीड़ से हट गए आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, सीधा का सीधा, भीड़ है आप भी हैं, कोयला दुनिया में भरते रहे है एकदम, धरती के अंदर धरती के ऊपर सब देश में कोयला का वैल्यू है,
और उसी कोयला में इतना कोयला है, एक वो इतनी वो का हीरा निकलेगा, और हीरा कुछ है नहीं, बस तो शीशा है, खाइएगा उसको, पीजिएगा नहीं, पहनिएगा नहीं, कीजिएगा अंगूठी में लगा लीजिएगा। अब सोचिए जितना कोयला है उतना हीरा होता और एक बीच में कोयला निकलता, उस बीच में एक क्या निकलता, कोयला निकलता, तो कोयला का दाम क्या होता, ज्यादा होता, लोग कोयला का एकदम हार बनाते पहनते, पहनता ना कुछ नहीं है, दुनिया में जो सबसे जो काम है ना उसका वैल्यू ज्यादा है, और समाज में हटके, भीड़ से हटके, और सरकार भी वही खोजता है, भीड़ से हटा लड़का कौन है, तो देखता है सबसे ऊपर से जो है ना उसको निकालो, जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले तो बीएड करवाओ, और बीएड करवाने के बाद सरकार ये देख लेता है फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, समझ गए, इसीलिए छह छह महीना हम टीचर सबको पेमेंट भेजता है ना जी, भेजता है तो ना, लेकिन छह छह महीना में एक बार, ऐसा नहीं पेमेंट काट के भेजता है, पेमेंट देते हैं लेकिन छह छह महीना में एक बार, सबसे पहले देख लेता है बीएड किया चलो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, देखिएगा ऐसे मजाक करना आप सीरियस नहीं लीजिएगा ऑनलाइन है जी, समझ गए, दूसरा देख लेता है कि आप सीटेट पास है, चलिए पढ़ाने का भी नॉलेज है, तीसरा बोला पढ़ाने का नॉलेज है अब लेगा बीपीएससी, बोला अब जो पढ़ाइएगा ना सीटेट तो हुआ, आप कैसे पढ़ाइएगा वो पूछे हम आपसे, क्या आप पढ़ाना है बीपीएससी पूछेगा, बात को समझे, कि किया है ना, हम कहते हैं ये जो व्यवस्था लाया है बीपीएससी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, समझ गए, एकदम निष्पक्ष सबसे बेहतर किया है, निष्पक्ष की बात करें, अगर आप अपना फायदा हटा दें तब कहिएगा, आप सोचेगा उसी टेट किए तो इस बार नौकरी हो जाता, अगर आप अपना स्वार्थ हटा दें तब अगर आप निष्पक्ष कहिएगा तो सबसे बेहतर है, सीटेट ने यह पूछा आपसे कि पढ़ाना कैसे है, आपको समझाना कैसे, हम सीटेट नहीं है किए, बीएड नहीं है किए, लेकिन हम पढ़ाना जानते हैं मिला जुला के ठीक ठाक, समझाना आपको कैसे आपके आसान भाषा में, हम भी बीएड नहीं किए ना ही सीटेट पास किए, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको क्या कर पा रहे हैं, पढ़ा रहे, तो पढ़ाना कैसे ये पूछेगा सीटेट, और पढ़ाना क्या ये पूछेगा क्या बीपीएससी, इसीलिए तो सीडीपी हटा दिया, इसीलिए क्या किया पेडागोगी हटा दिया, हटाया ना जी, जब उसने सीटेट में कुछ ये लिया तो इसने काहे पूछेगा, जो लड़का क्वालिफाई करके आया है वो चीज, और मैन बड़ा बड़ा पेपर दे दे के आया, कितना पूछता है उसमें सी सीडीपी से, उसने पूछता है एकदम ज्यादा ही, जो लड़का क्वालिफाई करके आया फिर हमको वही चीज पूछे उससे, समझ जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा सोचने वाला लोग वहां बैठता है बीपीएससी सब में, और हम लोग का जहां तक सोच पहुंचता है ना, जहां तक हम लोग का लास्ट पॉइंट है वहां से उसका स्टार्ट ही होता है, और हम लोग यहां से जज करते हैं बीपीएससी खराब आदमी के हाथ में चले गया, समझ गए, वो सही कर पा नहीं रहा, आप अपने स्वार्थ को लेकर एक बार जज कर देते हैं, लेकिन निष्पक्ष जज कीजिएगा ना पता चल जाएगा आपको। तो चलिए वर्षा से क्या है, बहुत सारे फायदा है, सबसे पहला आइए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, आप लोग जब पढ़ाते हैं एकदम मन हल्का हो जाता है, और एक्स्ट्रा बात कीजिए एकदम खुश, ठीक समझ गए। अगला ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वैसा वन, सुनिएगा, इस उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का विकास वैसे क्षेत्र में होता है जहां पे वर्षा कम से कम 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और वहां तापमान कैसा हो, मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस एनी टाइम रहता हो, सुनिए मेरे बात को, वर्षा को मापने का क्या है मात्रक है, 250 सेंटीमीटर जो आपका वर्षा मापा जाता है, 250, 200, 100, तो वर्षा को मापते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, समझ गए, तो 250 सेंटीमीटर अगर वर्षा होता है किसी भी क्षेत्र में, समझ गए, 250 सेंटीमीटर अगर वर्षा होता है किसी भी क्षेत्र में, और डिग्री सेल्सियस कितना हो, तापमान कितना हो 22 डिग्री सेल्सियस, तो उस वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का क्या होगा, विकास होगा, यानी वर्षा सब दिन होते रहेगा, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का अगर विकास होगा मतलब ये वन सब दिन क्या रहेंगे, हरा भरा रहेगा, और इस वनों का विकास जो होता है हमारे भारत के पश्चिमी तट पे, हमारे भारत के पश्चिमी तट पे जितना भी आप देखते हैं केरल राज, कर्नाटक राज, ये सारा का सारा राज इस जगह पे, जो केरल राज इस जगह पे, कर्नाटक राज इस जगह पे, आपका कौन सा राज, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज,
उसके सारा का सारा गोवा तो छोटा सा है, उसमें क्या है, उसमें समुद्र में मिल जाता है, उसका क्या मन उसमें है ही नहीं, समझिए छोटा सा उसका कोई है ही नहीं। तो मतलब ये मोटे तौर पे तीन राज, कर्नाटक राज, केरल राज, महाराष्ट्र राज, इस राज में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वंशों का, सदाबहार वनों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। कहे कि सबसे ज्यादा वर्षा पड़ता है इसी जगह पे पश्चिमी घाट में। दूसरा होता है इस जगह पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी वर्षा कितना होता है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। उसके बाद आइएगा इस जगह पे एक राज है, उस राज का नाम है मेघालय, उस राज का क्या नाम है, मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, यानी उत्तरी पूर्वी राज्य का असम राज्य, इस सब वाले क्षेत्रों में भी वर्षा क्या होती है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसी वजह से इस क्षेत्रों में किस प्रकार के वनस्पति का विकास हुआ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों का नाम याद रखिएगा, सिनकोना मोहोगनी, सिनकोना मोहोगनी, रोजवुड, ऑर्किड्स, बांस, हर्न, इस सारा का सारा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है। अब कहिएगा शरीफ हर्न क्या है, ऑर्किड्स क्या है, आप अपने इधर तो होता है नहीं, आप एक बार जा जाके देख लीजिएगा, समझ गए। तो सबसे पहले देखिए, अरे जाना के जरूरी है, मोबाइल में तुरंत सर्च किए, ऑर्किड्स पेड़ दिखाओ, ऑर्डर करना है, फर्न पेड़ पौधा दिखाओ। तो देखिएगा ऑर्किड्स, कौन सा ऑर्किड्स, फर्न, रोजवुड, कौन सा रोजवुड, हल्ला कम है, बांस को देखे होंगे आप, बांस तो देखे किएंगे, सिनकोना कौन सा, सिनकोना मोहोगनी, कौन सा मोहोगनी, ये सब पौधा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और सबसे ज्यादा जैव विविधता भी किसमें पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी कहां पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आप देखते होंगे बारिश का समय आएगा ना, ऐसा ऐसा झाड़ फूक सब निकलेगा, कहने से बात, तरह तरह का पौधा आप चारों बगल देखते होंगे हरा भरा, और तरह तरह का झाड़ फूस ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे कहां में, वर्षा ऋतु में। इसका मतलब जैसे वर्षा ऋतु आता है, जीवों में, पेड़ पौधा में, जीवों में क्या हो जाती है, विविधता आ जाती है, बहुत प्रकार के जीव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जहां पे सब दिन सबसे ज्यादा वर्षा होते रहता है, वहां जैव विविधता सबसे ज्यादा नहीं होगा। तो कहा जाता है भारत का तीन क्षेत्र है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, आपका ये वाला क्षेत्र और आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, जहां जैव विविधता क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा। फिर आपका ये अंडमान निकोबार वाला भी क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या पाया जाता है, रिच पॉइंट है, मतलब यहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता माने समझ रहे ना क्या होता है, बायोडायवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं, समझ गए, जीवों में विविधता। मैं पहले दिन समझा क्लास में, समझिए आप लोग हैं, गिरगिट है, इस प्रकार से मतलब पांच प्रकार के जीव है, और कोई ऐसा जंगल है जहां 50,000 प्रकार का जीव है। तो जैव विविधता आपके क्लास का ज्यादा है कि उस जंगल का है, बस। अब जहां पौधा मान लीजिए एक एक खेत है और खेत में 10 प्रकार का पौधा है, 10 प्रकार का खरपतवार है, और एक वो खेत उसी के बगल में उसमें 500 प्रकार का खरपतवार है, पौधा है, तो जीव नहीं है पेड़ पौधा क्या, पेड़ पौधा भी जीव है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें, जिसमें 500 प्रकार का है, वही कहता है जीवों में विविधता होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार का जीव, अलग अलग प्रकार का जीव, वही कहलाता है जैव विविधता। तो जहां सबसे ज्यादा जंगल, जहां सबसे ज्यादा वर्षा, वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, 250 डिग्री सेंटीमीटर से वर्षा जहां हो वहां पे क्या कहते हैं, आपका वर्षा होता है, सदाबहार वन का विकास होता है। और वहां तापमान भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम 22 डिग्री, कम तापमान भी होना नहीं चाहिए। आप चलिए ये दक्षिण भारत में देखिए, भूमध्य रेखा के जस्ट बगल में आपका कौन सा राज्य है, केरल राज्य है, भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर में है ना जी, 8 डिग्री 4 मिनट के पास, तो वहां तापमान भी भूमध्य रेखा के पास तापमान भी अच्छा ही रहता है कि नहीं रहता है, भूमध्य रेखा के पास तापमान भी ठीक ठाक रहता है और वर्षा भी सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से उस जगह पे किस वनों का विकास हुआ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का, समझ गए। अब रहने दीजिए, समझ गए, अभी आपको पढ़ाना है हिस्ट्री।